गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू वीके व्लॉग्स एंड वेलकम बैक टू डे 4 फ्रॉम वीके व्लॉग्स। अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने। आज हमारा चेकआउट है आला गोवा रिजॉर्ट से और उसके बाद हम निकलेंगे नॉर्थ गोवा की तरफ, मेरे फेवरेट रिजॉर्ट हिल रॉक में, जो कि है तिराकुल क्वेरम बीच के पास। सो आज की जर्नी वही होने वाली है, बीच में पंजिम वंजिम बहुत कुछ आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। फिर से उड़ चला मैं। तो चेकआउट हमारा हो गया है, थोड़ा टाइम लगा क्योंकि सारा चेकआउट एक साथ ही हो रहा था, बहुत सारे लोग चेकआउट कर रहे थे, बट चेकआउट स्मूथ था, कंफर्टेबल था। आला गोवा में मेरा स्टॉप बहुत ही अच्छा था। एक्चुअली मैं तो कल भूल भी गया था कि आज मेरा चेकआउट है, तो इतना मज़ेदार मुझे लग रहा था आला गोवा में स्टे करके। और एक फीडबैक इनको दिया है कि यू शुड प्रमोट योर सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, बिकॉज जो पिक्चर्स मैंने देखी इस रिजॉर्ट की, जहाँ से मैंने बुक करा, booking.com, Agoda, Make My Trip, वहाँ पे पिक्चर्स से मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छा है विद द काइंड ऑफ फैसिलिटीज दैट दीज गाइज हैव गिवन इन देयर कॉटेजेस। सो अभी तक का तो ये था। सुबह सुबह उठ के मैंने गाड़ी साफ करी तो मैं पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ। अब हम जा रहे हैं नॉर्थ गोवा, आपसे मिलते हैं रास्ते में। तो करीबन 15 मिनट हुए थे निकले हुए और मैं सोचा कि आधा टैंक बचा था फ्यूल, तो आधा टैंक को फुल करवा लें, क्योंकि गोवा में पेट्रोल का प्राइस तो बढ़िया है यार, 97.09 रुपीज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अपना दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। तो ये बात मजे की लगी मुझे। का ठिकाना होता है कि गोवा आ गए, दूसरा ये कि गोवा में आके ये ब्रिज पे आए, क्योंकि मेरे को हमेशा से दिल्ली तमन्ना थी कि मैं ये ना पाइप वाले एकदम वो जो सैन फ्रांसिस्को टाइप जो ब्रिज है वहाँ पे एक बार गाड़ी जरूर चलाऊं, और आज मेरा वो सपना भी पूरा होते हुए दिख रहा है। इधर राइट हैंड साइड में ब्रिज है और उधर लेफ्ट हैंड साइड में इंडिया का जुगाड़ है, कैसीनो का जुगाड़, क्योंकि इंडिया में लैंड पे कैसीनो अलाउड नहीं है। साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा के रास्ते में पोवोरम करके एक रीजन आता है, जैसे पंजिम एक रीजन है तो पोवोरम एक रीजन आता है, जहाँ पे एक मॉल है, मॉल डे गोवा, मॉल का नाम भी देखो, मॉल डे गोवा। सो बेसिकली वहाँ पे अलग अलग खाने के ऑप्शंस हैं, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स एंड ऑल, जो हमारे नॉर्मल सिटीज में मिलते हैं। तो आज ऑफकोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि जंक खाने का मन था, तो अभी मैकडोनल्ड्स हम पैक कराएंगे, उसके बाद अपना सफ़र चालू रखेंगे टूवर्ड्स नॉर्थ गोवा। जा रहे हैं NH 66 पे और साथ में हम खा रहे हैं मैकडोनल्ड्स के नगेट्स और कोक। नॉर्थ गोवा होटल हिल रॉक इन तिराकोल, वेरी क्लोज टू क्वेरम बीच। अब इस वीडियो में आके हम शाम को क्या करेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। स्टे ट्यून्ड। सो कमरा में मिल गया है सामान, सेट हो गया है, तो मैं आपको एक फटाफट
अपना कमरे का एक छोटा सा ट्रिप दे सकता हूँ, जिसमें हमने बढ़िया से सब सेटअप कर लिया है। अलमारी अलमारी सब बैग वैग ऊपर चढ़ गए हैं। और जो मज़ेदार बात है वो ये है कि ना बालकनी से यू कैन एक्चुअली सी द अमेजिंग सी एंड द बीच ऑल्सो। इफ यू ज़ूम इन, लुक, दैट्स द एक्वेरियम बीच, दैट्स पूल, रेस्टोरेंट, बालकनी, चिल लाइफ। सो अभी शाम हो रही है और कुछ खाने का मन कर रहा था, क्योंकि हमने दोपहर को जस्ट मैकडॉनल्ड्स खाया था। और तो अभी पकौड़े खाए चिकन वाले, क्योंकि मौसम ऐसे पकौड़े टाइप का हो रहा है। अभी देखो पीछे, हाँ हवा बहुत अच्छी है, सनसेट का टाइम है, पीछे अपना सी है और उधर पीछे पहाड़ पे फोर्ट तिराकोल है। दिस बिहाइंड मी इज़ द एक्वेरियम बीच और दिस बिहाइंड मी इज़ द होटल हिल रॉक। यहाँ पे स्विमिंग पूल है जो कि बहुत क्लियर है इस बारी फॉर अ चेंज। लेट्स सी रात को क्या सीन। आज एक्चुअली चिल चिल टाइप डे है, मतलब कुछ काम है मुझे, वो काम करूँगा लैपटॉप पे बैठ के और अपना आज मेलो टाइप रखें, क्योंकि कल फ्राइडे है।